ग्लेनमार्क लाइफ साइंस आईपीओ दोस्तों भरना चाहिए कि नहीं, आइए डिटेल्स देखें। ऑफर क्या है? दोनों ऑफर है, एक फ्रेश इशू है जो 1060 करोड़ का है, जो ग्लेनमार्क लाइफ साइंस कंपनी के पास फंडिंग जाएगा। दूसरा ऑफर फॉर सेल है जो कि 450 करोड़ का है, जो फंडिंग प्रमोटर यानी कि ग्लेनमार्क फार्मा कंपनी के पास जाएगा। एसेट्स जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, जो दो साल पहले करीबन 1500 करोड़ की थी, वो अंदाजित 2000 करोड़ की हो चुकी है। 16% CAGR से एसेट्स ग्रो हो रही है। दोस्तों पेड अप कैपिटल यानी इक्विटी सिर्फ 2 करोड़ की है, अदर इक्विटी 750 करोड़ की है, जो थोड़ी पोस्ट आईपीओ इंक्रीज भी होगी। अब एसेट्स के बाद दोस्तों आती है लायबिलिटी। तो जैसा हम देख पा रहे हैं यहां पे बोरोइंग नील है, डेप्ट फ्री कंपनी है, हाई फेवरेबल डेप्ट और लीज टू इक्विटी हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि लीज लायबिलिटी भी नहीं है, बोरोइंग लायबिलिटी भी नहीं है, तो अच्छी सोल्वेंसी है कंपनी की। चलिए बैलेंस शीट तो अच्छी थी, इनकम स्टेटमेंट अगर हम देखें तो 2019 में जैसा हम देख पा रहे 886 करोड़ का सेल्स था, जो आज 1886 करोड़ का हो चुका है। तो सेल्स करीबन हम मान सकते 1900 करोड़ का, प्रॉफिट करीबन 350 करोड़ का, प्रॉफिट भी ग्रो कर रहा है। सेल्स 46% के CAGR से पिछले दो साल से बढ़ रहा है। प्रॉफिट मार्जिन अच्छे हैं 19% के। अर्निंग पर शेयर हमारी हुई दोस्तों 32.61, ये थोड़ी कम होगी क्योंकि इक्विटी थोड़ी इंक्रीज होगी पोस्ट आईपीओ। तो इससे बातें बिल्कुल साफ हो जाती है कि कंपनी हाई सेल्स और प्रॉफिट वाली है, अच्छा धंधा बढ़ रहा है, लो डेप्ट है अपनी इक्विटी के मुकाबले, डेप्ट फ्री कंपनी हम इन्हें बोलेंगे, अच्छे प्रॉफिट मार्जिन है 19% आर गुड मार्जिन, पॉजिटिव कैश फ्लो है, कंपनी कंसिस्टेंटली प्रॉफिट करती जा रही है। अर्निंग पर शेयर अगर हम 32.60 रुपीज का गिने, आपको 720 पे अगर ऑफर हुआ है शेयर तो 22 का पी बहुत ज्यादा महंगा नहीं है दोस्तों। सो इट इज गुड फंडामेंटल कंपनी। शेयर होल्डिंग पैटर्न, अभी जो भी आईपीओ आए उसमें हमने देखा कि बहुत से प्रमोटर्स थे, ये कंपनी की खास बात यह है। चलो फंडामेंटल तो अच्छे है ही, ग्लेनमार्क फार्मा नाम की जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है वही इनका 100% शेयर होल्डर है, तो कंपनी के खुद के पास शेयर है और मिक्स पोर्टफोलियो यहां पे दोस्तों नहीं है। अब दोस्तों ऑब्जेक्ट क्या है इशू लाने का? जैसा हमने देखा 1000 करोड़ का फ्रेश इशू है, जिसमें से 800 करोड़ रुपए कंपनी के यूज होंगे पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग परचेस कंसिडरेशन टू द प्रमोटर फॉर द स्पिन ऑफ द एपीआई बिजनेस फ्रॉम द प्रमोटर इनटू दिस कंपनी परस्यूएंट टू द बिजनेस परचेस एग्रीमेंट। तो ये जो 800 करोड़ इस्तेमाल होने वाले हैं, जो एपीआई का बिजनेस स्पिन ऑफ किया गया था उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर के पीछे 150 करोड़ रखेंगे। कंपनी डेब्ट फ्री है तो यहां पे ऐसा नहीं होगा कि कोई डेब्ट वेब क्लियर करने के लिए ये फंड रेज हो रहा है, राइट? अब दोस्तों क्वालिटेटिव फैक्टर क्या है? दोस्तों इनकी लीडरशिप कुछ सिलेक्टेड हाई वैल्यू नॉन कॉमोडिटाइज्ड एपीआई क्रॉनिक थेरापिटिक एरिया में है, कुछ लीडिंग ग्लोबल जेनरिक्स कंपनी के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, मैन्युफैक्चरिंग और आरएनडी का जो इंफ्रा है क्वालिटी फोकस्ड है, ऑपरेशंस में सस्टेनेबिलिटी पे स्ट्रॉन्ग फोकस है, कॉस्ट मॉनिटरिंग अच्छा है, ये तो हमें 19% मार्जिन से ही नजर आ रहा है, और जो टीम है वो एक्सपीरियंस्ड है और प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड वाली है। दोस्तों ये तो थे क्वालिटेटिव फैक्टर। क्वांटिटेटिव यानी आंकड़ों की मायाजाल क्या है? तो जैसा आपने देखा आपके हिस्से की गोली
आपके हिस्से की अर्निंग बराबर ना वो है 32.61 रुपीज। इसके हिसाब से प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर आप ये पिछले साल की अर्निंग भी लेके चलो तो 22 है, बहुत महंगा नहीं है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 47%, मतलब अच्छा है, लेकिन अब इक्विटी थोड़ी बढ़ेगी तो इससे रिटर्न ऑन नेटवर्थ थोड़ा कम हो जाएगा, फिर भी अच्छा तो है। एनएवी जिसे हम बुक वैल्यू के करीबन मान सकते हैं वो 70 है, तो इसके मुकाबले करीबन 10 गुना एनएवी पे, एनएवी से 10 गुना भाव पे हमें ऑफर किया जा रहा है, जो वैसे हम मेगा गिन सकते हैं पर डेब्ट फ्री कंपनी है, ग्रोइंग सेक्टर में से है, तो आपको मल्टीपल तो महंगाई होगा दोस्तों। इसे दोस्तों अगर हम पीयर ग्रुप से कंपेयर करें तो इसके पीयर ग्रुप में आ सकती है डिविज लैब जैसी कंपनियां जो एपीआई में है, लोरस लैब, आरती ड्रग्स, सोलारा एक्टिव फार्मा, शिल्पा मेडिकेयर जैसी कई कंपनियां, भारत में कितनी ही लिस्टेड कंपनियां है इस धंधे में। अगर हम ग्लेनमार्क को देखें तो ग्लेनमार्क का मार्केट शेयर दूसरी पीयर कंपनियों से बहुत छोटा है। अब डिविज से कंपेयर करो तो डिविज 7,000 करोड़ का टर्नओवर करती है, तो यहाँ पे डिविज को ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए अगर मैं वेल्थ के लिए निवेश कर रहा हूं तो। पर ग्लेनमार्क 2,000 करोड़ बहुत छोटा भी नहीं है, एवरेज कंपनी हम इसे कह सकते हैं। प्रॉफिट मार्जिन भी इन लोगों के 19% है, डिविज के 28% है, तो घर पे भी प्रॉफिट डिविज ही ज्यादा ले जाती है। तो पीयर ग्रुप में तो हमें ये मानना पड़ेगा कि डिविज इज बेस्ट अमॉन्ग ऑल दीज कंपनीज। यहां पे कुछ और पैरामीटर भी देखे तो देखो सेल्स में तो देख लिया कि डिविज की लीडरशिप है, ग्लेनमार्क भी अच्छा कर रही है, प्रॉफिट मार्जिन भी डिविज का अच्छा है, ग्लेनमार्क का एवरेज है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ मेजोरिटी ऑफ द कंपनीज की अगर हम देखें तो सबकी रिटर्न ऑन नेटवर्थ अच्छी है। ग्लेनमार्क इसमें टॉप पे है राइट, 47% मतलब बढ़िया रिटर्न ऑन नेटवर्थ है, जो थोड़ा कम होगा फिर भी पार रहेगा, मतलब अच्छा रहेगा राइट। तो खास चीज क्या इन आंकड़ों को देखने के बाद, अच्छी कंपनी है दोस्तों, कोई डाउट ही नहीं है इसमें, ग्लेनमार्क सबसे अच्छी नहीं होगी लेकिन अच्छी कंपनी तो मानेंगे इसको राइट। सो अच्छा ग्रोथ है, अब बाकियों का भी ग्रोथ अच्छा है तो हम ये नहीं कहेंगे ये बेस्ट है, ये पूरा सेक्टर ग्रोथ कर रहा है, तो ग्लेनमार्क इज गुड कंपनी विद गुड ग्रोथ, अच्छी लिक्विडिटी, अच्छी सोलवेंसी। तो कंपनी तो हमने देख लिया अच्छी ही है, लेकिन ये अच्छी कंपनी को ग्रोथ किधर से मिलेगा, इंडस्ट्री ग्रोइंग होना चाहिए, तो क्या ये इंडस्ट्री ग्रोइंग है ये जानने के लिए चलो इंडस्ट्री ओवरव्यू देखें। दोस्तों अफोर्डेबिलिटी देखनी हो तो दो चीज देखनी चाहिए, एक तो खुद जीडीपी, तो जैसा जीडीपी देख रहे हैं जो पहली चीज है तो यूएस टॉप करता है जीडीपी में, और जो आपका जो यूरोपियन यूनियन है उनकी जो कंपनियां हैं उनकी जो कंट्रीज है, यूके हो गया, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, ये सब भी जीडीपी में काफी आगे है। इंडिया 2.6 ट्रिलियन के साथ 6th नंबर पे है। जीडीपी पर कैपिटा देखे अफोर्डेबिलिटी तो वहां पे यूएस टॉप करता है, और उसी प्रकार से EU5 कंट्रीज अगर हम देखें, जर्मनी, यूके, फ्रांस, इटली, स्पेन, उन सब की तो अफोर्डेबिलिटी वैसे भी बहुत अच्छी है राइट। तो ये एक बड़ा मार्केट हुआ दुनिया के लिए। वहीं पे अगर पॉपुलेशन भी देखे तो चाइना ना गिने तो इंडिया सबसे बड़ी कंट्री है पॉपुलेशन में, और ग्रोथ 1% से हो रहा है, तो बड़ी ऑलरेडी है और ग्रोथ भी बड़ा है। इंडिया के पास जो यूएस आता है 33 करोड़, ब्राजील 21 करोड़, आप देख सकते हो उन लोगों का ग्रोथ पॉपुलेशन का 1% से कम है। तो दोस्तों इंडिया भी मार्केट तो बड़ा है, आने वाले समय में अगर हम रेगुलेटरी और प्राइसिंग ओवरव्यू देखें तो इंडिया वैसे रेगुलेटरी बेस पे देखा जाए तो ग्लोबली इंडिया नंबर 1 करता है आपके बल्क ड्रग सप्लायर में और फॉर्मुलेशंस में। यूएस एफडीए की सबसे हाईएस्ट नंबर के अप्रूव्ड प्लांट अगर यूएस के बाहर कहीं पे है तो वो है दोस्तों अपने इंडिया में।
अभी हमने एक सफल योजना देखी, आयुष्मान भारत योजना, जिसका अंदाजित 10 करोड़ से ज्यादा वल्नरेबल फैमिलीज ने उसका लाभ उठाया है, यानी करीबन 50 करोड़ लोग इसमें आ गए। ये फिगर छोटे नहीं है दोस्तों, एक बड़े पॉपुलेशन को इसने टैप किया है। दोस्तों ग्लोबल फॉर्मुलेशंस का मार्केट अगर हम देखें, इनोवेटर हो या जेनरिक हो, पिछले 5 साल से हम देख सकते 3-5% के कगार से बढ़ रहा था। आने वाले 2021 से 2026 में ये 3.5% के ग्रोथ से बढ़ने की उम्मीद है। अब आपको लगेगा अगर 3.5% का ग्रोथ है तो भारत का ग्रोथ, भारत की फार्मा कंपनियों का ग्रोथ इतना फास्ट कैसे है? क्योंकि इंडियन कंपनीज वर्ल्ड के मार्केट को टैप कर रही है। हम यहां देख सकते हैं कि अगर 3.5% से ग्रोथ होगा, पर ओवरऑल सबसे बड़ा मार्केट यूएस का है, देख सकते हो आप, 656 USD बिलियन। फिर आता है EU5 countries, फिर चाइना, फिर इंडिया। आप देख सकते हो दोस्तों सबसे बड़ा मार्केट शेयर आपका यूएस का है। जो मार्केट्स के ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है उसमें भी यूएस 5.2% तो है, पिछले 5 साल से बढ़ा, आने वाले समय में 4.2% का ग्रोथ उम्मीद है। आने वाले समय का ग्रोथ देखें तो दोस्तों चाइना और इंडिया फार्मास्यूटिकल मार्केट में तगड़ा ग्रोथ करेंगे। सेगमेंट वाइज देखें तो आप देख सकते हो कि इस प्रकार से ऑन्कोलॉजी लीड कर रही है। अब इन सब बातों का ग्लेनमार्क से क्या लेना देना? हु एम आई? ग्लेनमार्क लाइफ साइंस लिमिटेड कौन है, क्या करती है? सो वी कैन से दे आर लीडिंग डेवलपर एंड मैन्युफैक्चरर ऑफ सिलेक्ट हाई वैल्यू नॉन कॉमोडिटाइज्ड एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स इन क्रॉनिक थेराप्यूटिक एरियाज इंक्लूडिंग कार्डियोवास्कुलर डिजीज, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिजीज, पेन मैनेजमेंट एंड डायबिटीज। दोस्तों ये होली ओन्ड सब्सिडरी है, ये हमने पहले भी देखा, उनके प्रमोटर ग्लेनमार्क फार्मा की, जो कि खुद BSE NSE में लिस्टेड कंपनी है। तो दोस्तों स्ट्रेंथ कंपनी की है कहीं, जैसे हमने पहले भी इन स्ट्रेंथ पे बात कर चुके हैं। दोस्तों इनका सेगमेंट क्या है, आप देख सकते हो 90% टर्नओवर दोस्तों जेनरिक एपीआई में से आ रहा है। तो ये जेनरिक एपीआई की कंपनी हुई। ये टर्नओवर कहां से आ रहा है? तो 66% टर्नओवर रेगुलेटेड मार्केट से आ रहा है। तो यहां पे ध्यान रखना पड़ेगा, USFDA के काफी स्ट्रिक्ट नॉर्म्स होते हैं। 33% इमर्जिंग मार्केट में से आ रहा है। तो माइलस्टोन इनका बिल्कुल क्लियर है, 2001-2 में इनके प्रमोटर ने एपीआई बिजनेस स्टैब्लिश किया। कुरकुम महाराष्ट्र पेन का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। दोस्तों धीमे धीमे आगे बढ़ते चले गए, अलग अलग प्लांट आए और आज आप देख पा रहे हो दोस्तों 402 DMFK रजिस्ट्रेशन है इनके मल्टीपल। सो फ्रेंड्स ओवरऑल कंक्लूजन क्या बनता है, क्या मुझे अप्लाई करना चाहिए हरगिज? क्या कैन अप्लाई फॉर द IPO? डेट फ्री कंपनी, धंधा चलो इतना बड़ा नहीं पर अच्छा कर रहे, प्रमोटर पुराने हैं इनके, अच्छा ग्रोथ नियर टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी उम्मीद कर सकते हैं दोस्तों। अब आप में से कई लोगों के पास बरसों से डिविज लैब ऑलरेडी है, तो वहां से इधर जंप लगाने का जरूर नहीं है, वो ऑलरेडी इससे बेहतर कंपनी है, राइट? पर नए लोग यहां पे जरूर निवेश कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स मैं पीयूष पटेल आप सबका धन्यवाद करता हूं मेरे साथ IPO रिव्यू में रहने के लिए। प्रॉफिट फ्रॉम इट एक स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट है दोस्तों। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अगर रेगुलरली आप नोटिफिकेशन चाहते हो जब भी कुछ अपडेट हो तो बेल आइकन को दबाइएगा। प्रॉफिट फ्रॉम इट ने एंड्रॉइड और iOS ऐप भी लॉन्च की हुई है, आप वहां पे भी डाउनलोड करके
कई लर्निंग्स ले सकते हो। तो ये था दोस्तों हमारी ओर से, धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबडी, जय हिंद। कमेंट जरूर कीजिएगा आप कहां निवेश करने वाले हैं।